अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जिसको आप विदाउट कैलकुलेटर 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इस वाले 2 डिजिट्स में पहले वाला नंबर क्या है हमारा, देखिए 3, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए ना, आपने क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मतलब 3 3 9 हो जाएगा 9, और इसी में ये जो लास्ट नंबर है ना, इसी का जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसी को हमने यहाँ पे ऐड करवा देना है। मतलब 9 + 3 हमारा हो जाएगा 12, तो 12 हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा मतलब 6 4 24, ठीक है। और यही हमारा जवाब आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इससे भी करेंगे, देखें यहाँ पे भी दोनों नंबर फर्स्ट डिजिट सेम है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, और 4 में 2 क्या ऐड कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो मतलब 6। अब इसी लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 6 4 क्या हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। मतलब क्या करना है, पहले वाले डिजिट और दोनों के पहले डिजिट सेम होंगे तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है, मतलब इस पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा एज इट इज। अब जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।